हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे और एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। सो ये है स्काईट्रॉन का नया वे प्रोटीन कंसंट्रेट। मैंने रिसेंटली इसको ऑर्डर किया था, मैंने खुद इसको ट्राई किया है। सो जो भी रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा वो बिल्कुल ही एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा, सेल्फ टेस्टेड एंड ट्राइड ओपिनियन होगा मेरा। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस वे प्रोटीन को खरीदने के लिए तो इस वीडियो को बिना देखे बिल्कुल मत खरीदिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग से। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसका अनबॉक्सिंग कैसा था। सो रिव्यू वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग दिखाना मेरे हिसाब से इसलिए जरूरी है ताकि आपको भी पता चले कि ये कैसे पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग कोई भी प्रोडक्ट का फर्स्ट पॉइंट होता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं वो है पैकेजिंग। तो जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छे से सील किया हुआ था, कहीं भी प्रोडक्ट में कुछ डेंट नहीं था और जो भी कंटेनर था प्रॉपरली सील था, मैंने आपके सामने ही खोल के दिखाया। सो पैकेजिंग में मैं इस प्रोडक्ट को दूंगा 5.5। अब नेक्स्ट जिस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं वो है इसका टेक्सचर। कोई भी वे प्रोटीन का टेक्सचर बहुत अच्छा होना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप किसी कंटेनर को खोल के लंप्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पुराना है। इसमें ऐसा कोई भी लंप्स नहीं था, बिल्कुल ही फाइन टेक्सचर था, मतलब बहुत ही फ्रेश प्रोडक्ट है और कहीं भी इसको जमाया या स्टोर किया हुआ नहीं गया। सो इसका जो टेक्सचर है उसको मैं दूंगा 4.5। अगर आप सोच रहे हैं कि टेक्सचर अच्छे होने के बावजूद भी मैं उसको 4 क्यों दे रहा हूँ, सो मैंने ऐसे भी प्रोडक्ट यूज किए हैं जिसका टेक्सचर इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा था, तो उसको मैंने 5.5 बिल्कुल दिया है। आप ऊपर आई बटन से वो सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो टेक्सचर है इसको मैं डेफिनेटली दूंगा 4.5। सो अभी हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो कोई सप्लीमेंट हो या फिर वो कोई और भी प्रोडक्ट हो। तो इस प्रोडक्ट का प्राइस मुझे मिला है 2900, यानी कि 2900 जो मैंने अमेजन से खरीदा है। मैं अमेजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको दूसरे किसी साइट में इससे चीपर मिलता है तो आप डेफिनेटली वहां से बाय कीजिए, अपना प्रॉफिट हमेशा देखना चाहिए। तो फिलहाल मैंने इसको 2900 में खरीदा है, उसमें मुझे मिला है 57 सर्विंग्स, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने ये प्रोडक्ट चलने वाला है। तो घूम फिर के इसका जो एक सर्विंग है वो मेरे लिए हो रहा है ऑलमोस्ट 50 रुपीज। सो 50 रुपीज के हिसाब से इतना अच्छा वे कंसंट्रेट मेरे हिसाब से प्राइस बहुत ही सही है। सो प्राइस में मैं इसको दूंगा बिल्कुल 5.5। अभी नेक्स्ट हम जिस बारे में बात करने वाला है वो है इस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स। तो इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें सबसे टॉप आ जाता है प्रोटीन। तो इसका जो एक स्कूप है इसमें आपको मिलता है 25.5 ग्राम प्रोटीन, जो बिल्कुल ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स इन इट्स रेंज, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स जो इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिलते हैं उसमें 23, 24 या फिर किसी किसी ब्रांड में 22 ग्राम तक प्रोटीन भी रहता है। तो इसमें 25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन है, इसमें इसका एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। और साथ में इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें हाइड्रोलाइज्ड व्हे प्रोटीन, आइसोलेट व्हे प्रोटीन और कंसंट्रेट व्हे प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स इसमें ऐड किया हुआ है जो इन लोगों ने सच में कन्फेस किया है, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने छुपाया है, क्लियरली लिखा है इन लोगों ने। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ सुक्रालोज का अमाउंट भी इस प्रोडक्ट में मौजूद है। जो नॉर्मल आइसोलेट प्रोटीन होता है उसमें सुक्रालोज वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है, बट इसमें सुक्रालोज है। सो इंग्रेडिएंट्स में मैं डेफिनेटली इसको 5.5 नहीं दे सकता, इसको मैं दूंगा 3.5/5। सो इंग्रेडिएंट्स के बाद अभी देखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का मिक्सेबिलिटी कैसा है। सो मिक्सेबिलिटी मतलब जब भी हम इसको पानी में मिक्स करते हैं, थोड़ा शेक करते हैं, तो क्या ये अच्छे से मिक्स होता है या फिर क्या ये फोम फॉर्म होता है, चलिए वो देख लेते हैं।
जैसे कि आपने देखा थोड़ा सा फोम फॉर्म हुआ था, लेकिन फिर भी मिक्स बहुत अच्छे से हो चुका है और जब भी मैंने उस फोम को थोड़ा सा मूव किया तो वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। तो ये नॉर्मल फोम है जो मे बी हर किसी ब्रांड में होता है, उतना ज्यादा सीरियस इशू नहीं है। सो मिक्सिबिलिटी में मैं इसको दूंगा डेफिनेटली 5.5, बहुत ही अच्छा मिक्सिबिलिटी था इस प्रोडक्ट का। सो मिक्सिबिलिटी के बाद अभी हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में। सो इसका जो टेस्ट है ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस ज्यादा मुझे ऐसा फील हुआ कंपेयर टू अदर ब्रांड्स जो मैंने आज तक ट्राई किया है, स्वीटनेस थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब टेस्ट है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसका, बट क्योंकि मैं पर्सनली स्वीट व्हे प्रोटीन प्रेफर नहीं करता, सो मेरे हिसाब से ये स्वीटनेस वाला पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इसका है, जो कि मेरे हिसाब से आ रहा है वो एडेड सुक्रालोज की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम स्वीट है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो टेस्ट में मैं इसको दूंगा 4.5। सो अभी हम आ जाएंगे रिव्यू के मेन पॉइंट पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिजल्ट्स। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, रिजल्ट्स ना इसके पैकेजिंग में डिपेंड करता है, ना इसके सील में डिपेंड करता है, ना इसके प्राइस में डिपेंड करता है, और ना टेस्ट या मिक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो कोई भी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो मेनली डिपेंड करता है उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। सो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें एक ब्लेंड मौजूद है हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट और कंसंट्रेट का, साथ में इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स भी है जो चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अनफ्लेवर्ड प्रोटीन हर किसी को पसंद नहीं है। बस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है इंग्रेडिएंट्स में, जो है एडेड सुक्रालोज। सुक्रालोज वो एक्स्ट्रा स्वीटनेस आपको देता है, लेकिन इसमें एडेड शुगर बिल्कुल जीरो है। ये हमेशा याद रखिए, एडेड शुगर इसमें कुछ भी नहीं है, जो सुक्रालोज है वो फ्लेवरिंग एजेंट से आ रहा है, और साथ में BCAA और ग्लूटामिन का अमाउंट भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। सो क्योंकि इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट है तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट है वो परफेक्ट होगा ही, और कोई भी व्हे प्रोटीन आपको सिंगल हैंडेडली आपका मसल बिल्ड नहीं कर सकता है या फिर फैट लॉस भी नहीं कर सकता है। अगर सारा दिन में आपका डाइट बिल्कुल सही चल रहा है तो अपने डाइट के साथ इस काइटोन व्हे प्रोटीन को ऐड करके आप डेफिनेटली अपना रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो शायद कुछ नया व्हे प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, जो कुछ नया अभी ट्राई करना चाहते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आपको वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं आप तक डेफिनेटली पहुंच जाए। बहुत ही जल्द ऐसा और वीडियोस आने वाला है, अगर आपको मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब बटन बिना क्लिक किए बिल्कुल मत जाइए। मेरे चैनल पे और भी ऐसे रिव्यू वीडियोस आपको मिलेंगे, डाइट वर्कआउट सभी के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो सारे वीडियोस भी चेक कीजिए इस वीडियो के बाद। तो बहुत ही जल्द मैं और ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।